आज हम इस वीडियो के माध्यम से गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के पर्यटन स्थल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है धनपुर। धनपुर जैन धर्म आलम्बियों का अंचल का सबसे बड़ा प्राचीन व्यवसायिक केंद्र था। प्राचीन काल में प्रमुख व्यापारिक पथ होने के कारण धनपुर जैन धर्म आलम्बियों के वैभवशाली नगर के रूप में प्रसिद्ध था। धनपुर में जैन धर्म के अलावा शैव धर्म से संबंधित अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। धनपुर ग्राम में ऋषभनाथ तालाब स्थित है, जिसके समीप एक पेड़ के नीचे जैन तीर्थकर की प्रतिमा ग्राम देवता के रूप में स्थापित है, जबकि बाईं ओर पर कोटा खींचकर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। मान्यता है कि इस स्थान में पांडव यहां अज्ञातवास के दौरान यहां रुके थे। कार्योत्सर्ग मुद्रा में उत्कीर्णित तीर्थकर प्रतिमा लगभग 25 फुट ऊंची है। छत्तीसगढ़ अंचल में यही एकमात्र शैलोत्कीर्णित जैन मूर्तिकला का उदाहरण है। जनश्रुति है कि गौरेला से अमरकंटक के नजदीकी कबीर चबूतरा में महान संत कबीर और गुरु नानक देव की मुलाकात हुई थी, इसलिए यह स्थान धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गौरेला के अंतिम छोर पर मौजूद बस्ती बगरा ग्राम पंचायत के पास लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर झोझा जलप्रपात आकर्षण का केंद्र है। यह 100 फीट की ऊंचाई से पानी झरने से गिरता है। गौरेला अमरकंटक के रास्ते में लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर जलेश्वर धाम स्थित है। यह पर प्राचीन भगवान शिव जी का 12वीं सदी कलचुरी कालीन मंदिर आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। गौरेला विकास खंड के खोडरी ग्राम पंचायत के निकट लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर लक्ष्मण धारा आकर्षण का केंद्र है। लोग यहां पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। इस धारा में वर्ष भर पानी रहता है। विकास खंड मरवाही मुख्यालय के लगभग 3 किलोमीटर पर मनौरा ग्राम पंचायत में सोन नदी के तट पर शिव घाट स्थित है। यहाँ महाशिवरात्रि पर बड़े मेले का आयोजन होता है। यह स्थान पर्यटन केंद्र के साथ साथ पिकनिक के लिए प्रसिद्ध है। सोनकुंड पिंडरा गौरेला पिंडरा मार्ग से बिलासपुर मार्ग में लगभग 17 किलोमीटर दूरी पर मानस तीर्थ सोनकुंड स्थित है। इस स्थान पर गुरु पूर्णिमा एवं शरद पूर्णिमा में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। सोनभद्र नदी का उद्गम क्षेत्र होने के कारण ग्राम सोन बचुरवार सोनमुड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर धुम्मेश्वर महादेव की अत्यंत पुरानी शिवलिंग स्थापित है। इस स्थान पर मां काली का मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर एवं शनिदेव मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है।